देश में लिंचिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना ऐसे मामला सामने आ रहे हैं। कल एक मामला ऐसा सामने आया जिसने काफ़ी लोगों को परेशान किया। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों को, मदरसे के छात्रों को निशाना बनाया गया। मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है। उन्नाव लखनऊ कानपुर के बीच के आए, जिसमें एक मदरसे के छात्र अपनी साइकिल से मदरसे से थोड़ी दूर पर क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे। 14 से 15 बच्चे बचाए जा रहे हैं जो ग्राउंड पर खेल रहे थे। उसी दौरान चार युवक वहां पर पहुंचे और बच्चों से जय श्री राम का नारा लगाने को कहने लगे। बच्चों ने ये कहा कि हम जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। उसके बाद उन्होंने बच्चों की पिटाई करना शुरू कर दी। बैट और हॉकी से बच्चों की पिटाई की गई, ज़बरदस्त पिटाई की गई। बच्चों के कपड़े फाड़ दिए गए और उसके साथ ही जो बच्चों की वहाँ पर साइकिलें थीं उनको भी तोड़ दिया गया। अपना ताल्लुक इन लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो भी बनाया और उसके बाद उसको फेसबुक पर अपलोड किया ताकि सियासी फ़ायदा उठाया जा सके। जिस तरह से सभी केसेस में ये देखने में आ रहा है कि अक्सर केसेस में लोग इस तरह का वीडियो बना करके अपने आप को चमकाना चाहते हैं, उसका सियासी फ़ायदा उठाते हैं, पार्टी और संगठन में उनका कद बढ़ता है इस तरह की चीज़ों से। क्योंकि उनको कहा जाता है कि आपको अगर इस तरह से करेंगे तो आपका पार्टी में कद बढ़ जाएगा और यही वजह है कि लिंचिंग के वाकयात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और पहले तो आते साथ डंडा लिए थे और अचानक पकड़ा और हाथ उस पर मारने लगे और जब हम लोग से कहा श्री राम का नारा लगा, जब नहीं लगा रहे थे तो और मारा। उसके बाद जब हम लोग भागने लगे तो अद्धा घुमा चलाने लगे। कोई मूवी भी बनाई क्या उन लोगों ने? जी नहीं, पता नहीं। कितने लोग थे? चार लोग। और किसका सर किसका फटा है? कहाँ गया अब्दुल वारिस? क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ? हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे सब लोग, वो लोग आए और आते ही वो लोग जो है डंडे से मारने लगे, कहने लगे जय श्री राम का नारा लगाओ। हमने नारा नहीं लगाया तो और मारा उन्होंने। फिर जो है हम भागने लगे, भागते हुए डंडों से मारा, भागते भागते में उन्होंने अद्धे चला दिए। अद्धे चलाए तो हमारा सर फट गया, ये देखिए सर फटा हुआ है नीचे। सर उठाओ। पैसे बता दें। पैसे वैसे भी छीन लिए और पैसे वैसे भी चोरी कर लिए। सर फटा है। ये कहाँ का बात, किसी की का है मामला? ये जीआईसी ग्राउंड का। जीआईसी ग्राउंड उन्नाव में जी। साइकिल में मतलब पत्थर से सब लोग। जामा मस्जिद के ही बच्चे हो यहाँ के, इमामत करते हो? जी, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस ने फेसबुक के जरिए जब छानबीन शुरू की तो इनको ट्रेस कर लिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला दर्ज किया गया है और ये पूरा मामला काफी सुर्खियों में कल से है। ख़ासतौर से मदरसे के जो टीचर्स हैं वो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास पहुँचे। पुलिस ने मामला दर्ज किया, फेसबुक आईडी के ज़रिए उनको तलाश कर लिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बजरंग दल से ताल्लुक बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से हिंदूवादी संगठन सक्रिय हैं और जब इस तरह की कोई वारदात होती है तो देखने में यह आता है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उनके ऊपर कानूनी शिकंजा नहीं कसता। एक मामला ये है। उसके साथ ही नवादा में अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से देखने में आया था, 5 जुलाई को नवादा में जावेद नसीम की पिटाई कर दी थी। जावेद नसीम एक रास्ते से तकरीबन 4 साल से गुजरते थे, रोजाना उनका वहां से आना जाना होता था। महल्ले के लोग सब जानते हैं जहां पर पिटाई की गई। वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी को रोका गया, उनकी पिटाई की गई और वो ये कहते रहे कि क्यों मार रहे हो। पहले तो उन्होंने ये कहा कि मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं ये मुल्ला है इसको पीटो, और उसके बाद उनकी पिटाई की गई। सुनिए किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले का जिक्र किया है। नसीम इनका नाम है, जावेद नसीम, जिनकी पिटाई की गई थी। मेरा मोहल्ला गुंडापुर हुआ, मैं उसी रास्ता से आता था और जाता था, आज भी उसी रास्ता से आया। हमें खाना खा के जा रहा था, अचानक 10 ऐसा कोई पुरानी दुश्मनी थी आपके? कोई दुश्मनी नहीं था सर, कोई दुश्मनी नहीं था। अचानक 10 लड़का मेरे गाड़ी के सामने आया और गाड़ी पे मैं मेरे को उतरने नहीं दिया, हम चढ़े हुए रहे और मेरे से पूछा। दबोच डाला ना आपको गाड़ी पे? दबोच दिया जी, गाड़ी पर दबोचे हुआ था और गाड़ी पर से ही पूछा कि तू मियां जी है, तो हम झूठ बोल दिया डर से कि मियां जी नहीं है। लेकिन फिर भी उधर से 2-3 लड़का बोला कि ये मियां जी है, मार मार। बस इतना है सर कि हम इतना मारा कि हम कुछ समय तक हम अपना हिम्मत बांध के मैं उससे जान छुड़ा के नहीं। वहाँ पर आदमी लोग थे और आदमी लोग वहाँ पर था, फिर भी नहीं कोई जान बचाया और मैं छुड़ाने की कोशिश नहीं किया, कोई छुड़ाने का कोशिश नहीं किया है और इतना हमको मारा है कि 3-4 जगह सर फट गया है पूरा।
और गाड़ी का भी तोड़ दिया है। दूसरी बात कि मेरा मोबाइल था वो भी छीन लिया है, और कुछ भी नहीं था सर, और कुछ ऐसा जाति दुश्मनी भी नहीं, और मोहल्ला में सब हमको जानता है, लेकिन फिर भी हमको मारा है मियां जी का। रास्ता साहब कितने दिन से आना जाना कर रहे हैं? उस रास्ते से हम करीब 3-4 साल से हम, जब से पानी हुआ है, पानी भरा है मोहल्ला गोंदापुर में, पानी भरा है, जब से रोड पे पानी भरा है तब से ये रोड से आना जाना, मेन रास्ता वो हो गया ना, 4 साल से हम लोग आने जाने, 4 साल से आना जाना कर रहे हैं, और कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं। हम खाना खा के जा रहे थे, जस्ट ये 3 बजे फिर 5-10 मिनट बाकी था तभी मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है। नवादा के बिहार में ही एक मामला और आया है। कमालपुर अंसार नगर में मास्टर मोहम्मद इशरात स्कूल से वापस घर लौट रहे थे। कादिरगंज के पास टेम्पो से उनको उतारा गया, रस्सी से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया और उनसे भी जय श्री राम के नारे लगवाए गए। तो बिहार में इस तरह के मामलात काफ़ी बढ़ते नज़र आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री अकलियतों का साथ देने की बात करते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि किसी को भी मजहबी मुनाफरत फैलाने की जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी को बांटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून अपना काम करेगा। तो इस तरह के मामला जिस तरह से बिहार में आ रहे हैं, नवादा का ये दूसरा मामला है एक हफ्ते के अंदर। पहले जिस तरह से पिटाई की गई थी, अब दूसरा मामला सामने आया है कि एक मास्टर को स्कूल से लौटते वक्त पीटा गया। तो अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कार्रवाई होती है। झारखंड के जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो खास तौर से जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर उन स्टेट में, उन सूबों में इस तरह की वारदातें काफ़ी बढ़ गई हैं। शुक्रिया आपका, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।